पाकबाज, वाकई हातिम इंसान नहीं, फरिश्ता है फरिश्ता। हाँ जानपरी, एक मुकम्मल इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब के सब हातिम में मौजूद है। तभी तो नीलम परी, हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। क्या हम हातिम को देखना चाहते हैं नीलम परी? क्या गजब करती हैं आप शहजादी, अगर मलिका या आलिया ने सुन लिया तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। वो किसी भी कीमत पर ये गवारा नहीं करेंगी कि उनकी जानशीन किसी आदमजात से मिलने की तमन्ना करे। अब जाइए, आराम कीजिए, हम कल सुबह बात करेंगे। नहीं, कल नहीं, हमें हातिम के बारे में और भी कुछ सुनना है, हमें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन हमें नींद आ रही है शहजादी। तो हम भी यही सो जाएंगे। नहीं, अगर मलिका या आलिया को मालूम पड़ेगा कि हमने आपको किसी इंसान के बारे में बताया है तो वो बहुत नाराज होंगी। उनकी तो आदत है किसी से भी नाराज होने की। तुम ठीक कह रही हो चांद, वाकई हमें हर किसी से नाराज होने की आदत है। मलिका या आलिया, शहजादी की किसी भी बात का ख्याल मत कीजिएगा, ये तो नादान है। ख्याल शहजादी का नहीं नीलम, ख्याल तो अब तुम्हारा करना पड़ेगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। नीलम, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हें इस परिस्तान की वजीर ही नहीं बल्कि अपनी प्यारी सहेली समझते हैं। यह आपकी मोहब्बत है मलिका आलिया। जब भी इस परिस्तान में कोई मसला पेश आया है तो हमने सिर्फ तुमसे मशवरा लिया है। ये मेरी इज्जत अफजाई है। हमने अपनी जानशी चांद को भी हमेशा तुम्हारी ही निगरानी में रखा है। ये मेरे लिए फख्र की बात है। हमने अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा किया है, सिर्फ तुम पर। खुदा गवाह है मलिका आलिया, हमने हमेशा आपके भरोसे की इज्जत रखी है। हमें मालूम है नीलम, हमें सब मालूम है, और इसी का तो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तुमने इस परिस्तान की और यहां की परियों की बहुत खिदमत की है, और इसके बदले में इस परिस्तान के नीचे जो छठा आसमान है हम तुम्हें वहां की हुकूमत सौंपते हैं। जी, हम तुम्हें छठे आसमान की मालिका बनाते हैं। मुबारक हो नीलम कि आज से तुम छठे आसमान की मलिका कहलाओगी। हमें उम्मीद है कि तुम वहां भी परिस्तान के उसूलों की निगहबानी करोगी। एक आसमान नीचे उतारने के बावजूद आपने इस नाचीज को बहुत ऊंचा बना दिया है मलिका आलिया। मैं आपकी इस नवाजिश के लिए हमेशा हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मगर नीलम, हम तुम्हारे बगैर परिस्तान में नहीं रह सकते। नहीं चांद, अपनी मोहब्बत की जंजीरों से इसकी तरक्की को मत बांधो कि जो इनाम हमने इसे दिया है वो तो इससे भी ज्यादा की हकदार है। आपका ये करम ही मेरे लिए बहुत है मलिका आलिया। हमें तुमसे यही उम्मीद थी नीलम। सरासर ज्यादती है नीलम। मलिका आलिया ने तुम्हें इनाम नहीं सजा दी है, सजा परिस्तान से चले जाने की सजा। मैं जानती हूँ, फिर भी तुमने हंसते हंसते सजा कबूल कर ली। मलिका आलिया का हुक्म मेरे लिए ईमान का दर्जा रखता है शहजादी। मगर ये तो सोचो, तुम वहां अकेली किस तरह रह सकोगी? जैसे दूसरे रह रहे हैं। और हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? क्यों, क्या कमी है इस हसीन परिस्तान में? सब कुछ तो है, और सबसे बढ़कर यहाँ मलिका आलिया हैं। मगर तुम नहीं हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम अभी मलिका आलिया के पास जाकर इल्तिजा करेंगे। नहीं शहजादी, नहीं,
मलिका यालिया के इनाम की इज्जत रखनी है मुझे। किस दिल से तुम्हें अलविदा कहें नीलम। शहजादी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती हैं। मैं भी वही कर रही हूं, तुम भी वही करो। गुलाब, गुलाब परी। कौन? हम। शहजादी? आप? शहजादी नहीं, हम तो तुम्हारी प्यारी सहेली है गुलाब। ये रिश्ता तो उस वक्त तक था शहजादी, जब तक कि हम उस कैद खाने से आजाद थे। अब तो हमारा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है, एक कैदी और एक शहजादी का। ऐसा मत कहो, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है। आपकी हमदर्दी मुझे मेरे महबूब से तो नहीं मिला सकती। आखिर उस आदम जात में ऐसा क्या है जो तुम अपने आप को इस कदर दुख दे रही हो? ये तुम क्या जानो शहजादी, किस दर्द में क्या मजा है। किसी के लिए अपने आप को तड़पाने में जो मजा है ना, वो इस परिस्थान के ऐशो आराम में भी नहीं। जानती हो, जब वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो ऐसा लगता है मानो दिल का एक एक तार झनझना उठा हो। जब वो मेरे हाथों को अपने हाथों में थामता है तो ऐसा लगता है मानो जहान भर की दौलत मेरी मुट्ठी में समा गई हो। जब वो अपनी मजबूत बाहों में मुझे भर लेता है तो कैफ़ सुरूर की महक मेरे रोम रोम में दौड़ जाती है। क्या हातिम भी एक ऐसा इंसान है? हातिम? कौन हातिम? नीलम परी बताती थी, वो भी एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी तारीफ सुन सुन कर तो हमारे दिल में उसे देखने की तमन्ना जाग उठी है। ओह, तो आखिर आपके दिल में भी किसी इंसान को देखने की आरजू पैदा हो ही गई। बहादुरी और सखावत में उसकी कोई मिसाल नहीं। और मोहब्बत में? मोहब्बत में? क्या वो भी किसी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना मेरा महबूब मुझसे? ये हमें नहीं मालूम, मगर नीलम परी बताती थी कि उसे इश्क और मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो पैदा हो जाएगी जिस दिन वो तुम जैसी खूबसूरत परी से मिलेगा। शायद तुम ही से मिल जाए। हमसे? मगर ये कैसे हो सकता है, वो वहां नीचे दुनिया में और हम यहाँ परिस्तान में। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस दुनिया में जाने का रास्ता बता सकती हूँ। नहीं नहीं, हम दुनिया में जाने की खता नहीं करेंगे। तुम्हारा अंजाम तो हमारे सामने है। अगर मलका आलिया को पता चला तो वो हमें भी पिंजरे में कैद कर लेंगी। जो सजा से डर गया वो किसी से क्या मोहब्बत करेगा। जाओ शहजादी जाओ, ये इश्क और मोहब्बत तुम जैसे बुजदिल परियों के बस की बात नहीं। तुम तो नाराज हो गई। मैं नाराज ना हूं तो और क्या करूं? एक और तुम्हारे दिल में उस इंसान को देखने की तमन्ना है, दूसरी और मलिका आलिया का खौफ। अब तुम ही बताओ, एक दिल में दो जज्बात कैसे रह सकते हैं? या तो तुम अपने दिल से उस खौफ को निकाल दो या उस इंसान का ख्याल। अच्छा, अगर हम दुनिया में चले भी गए तो हम उसे तलाश कैसे करेंगे? वो जगह तो हमारे लिए बिल्कुल नई होगी। दिल को दिल से राह होती है शहजादी। अगर जज्बात में सच्चाई हो तो महबूब खुद ब खुद खींचा चलाता है। तो फिर तुम्हारा महबूब तुमसे मिलने परिस्तान क्यों नहीं आया? इसलिए शहजादी, क्योंकि इस परिस्तान में इंसान तो क्या, उसकी परछाई भी दाखिल नहीं हो सकती। नीलम के चले जाने के बाद तुम इस बदबख्त परी से आदमजात का जिक्र सुनने चली आई? जी जी नहीं, हम तो बस यूं ही यहां से गुजर रहे थे।
हमने सोचा इसे भी मिलते चले। हमसे झूठ मत बोलो, ये कैद खाना है, कोई सैरगाह नहीं जहां तुम चहलकदमी करने चली आई। याद रखो, आइंदा तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी यहां से गुजरने ना पाए। जो हुक्म। और तू गुलाबपरी, आज के बाद अगर फिर कभी तूने हमारी चांद को अपने मनहूस आशिक या किसी और इंसान का किस्सा सुनाने की हिम्मत की तो हम तुझे इससे भी खौफनाक सजा दे देंगे। अपने महबूब की जुदाई से बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है मलिका आलिया? लगता है कैद खाने के इन अंधेरों में अभी तक तेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी बाकी है। दिल में जब मोहब्बत की रोशनी जगमगा उठती है तो उसे इस कैद खाने के अंधेरे तो क्या, कायनात की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। आप भी नहीं मलिका आलिया, आप भी नहीं। हम इस परिस्तान की मलिका हैं, यहां हमारी हुकूमत है। हम चाहे तो अभी और इसी वक्त तुझे जलाकर खाक कर सकते हैं। तो ये खाक उड़कर अपने महबूब के दामन से जा लिपटेगी। हम तुझे पानी का कतरा बना देंगे। तो ये कतरा प्यार बनकर अपने महबूब पर बरस उठेगा। हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बना सकते हैं। तो ये बर्फ इश्क की आग में जलने वाले अपने इस आशिक के दिल में ठंडक बन के उतर जाएगी। तो फिर हम तुझे आग बना देंगे, आग। अगर वो आग अपने आशिक के पास जाएगी भी तो उसे जलाकर खाक कर देगी। अगर इस परिस्तान में जरा बराबर भी आग लगी तो उसमें मैं तो क्या, सारा परिस्तान जल के खाक हो जाएगा। क्या चाहते हैं वो शहजादे से, आखिर क्या पहेली है ये? इस पहेली का हल ढूंढने के लिए निकला है ये शहजादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो आदमी खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है। जा हातिम, जा, खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर। वो रहा आपके सवाल का जवाब। आज हम पर जाहिर हो गया कि उसने आप तीनों की मुश्किलें आसान करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। हम जाएंगे दरवेश के साथ सवाल हल करने। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक मुसाफिर हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। आप यहाँ रात नहीं गुजार सकते। क्यों? हमारे बादशाह का हुक्म है। एक मुसाफिर अगर इस खंडर में रात गुजारता है तो आपके बादशाह को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं मुसाफिर, दुख होता है। उनका हुक्म है कि इस रियासत में आने वाले हर मुसाफिर को इज्जत के साथ महल के मेहमान खाने में ठहराया जाए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। हर मुसाफिर को अपना मेहमान समझते हैं। ओ, आपके बादशाह तो बड़े
मेहमान नवाज लगते हैं। चलिए मुसाफिर, शाही मेहमान खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए। चलिए। अब आप आराम कीजिए। हमें खुशी है कि जो बादशाह मुसाफिरों का इतना ख्याल रखता है, वो रियाया के लिए क्या कुछ नहीं करता होगा। हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। जरूर, आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार रात होगी। जा
बस बहुत हो चुका बेहाई का ये रक्स, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ऐसी भी क्या बेरुखी मेहमान, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। जिसे तुम फर्ज कह रही हो वो गुनाहों का ऐसा दलदल है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी जहन्नम के सिवा और कहीं नहीं निकल सकता। हमारी आगोश में आपको जहन्नम नहीं सिर्फ जन्नत मिलेगी। एक बार, सिर्फ एक बार इसमें समा कर तो देखिए। तुम्हारी आगोश में समाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है, इसलिए हसीन जादूगरनी हमें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारे बादशाह से शिकायत करेंगे। शिकायत? बहुत ना समझ हो मेहमान, आप जैसों की मेहमान नवाजी हम बादशाह के हुक्म पर ही कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बादशाह इस तरह मेहमान नवाजी कराता है? लगता है आपको हमारा ये अंदाज पसंद नहीं आया। तुम्हारा बादशाह इतना जलील और गिरावा इंसान हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं था। अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जहन्नम रसीद कर दें। तो फिर देर किस बात की है मेहमान? आप? हम इस रियासत के बादशाह हैं। ओ, तो आप ही हैं वो अजीम मेहमान नवाज जो मेहमान के सामने दस्तरखान नहीं हसीन तितलियां सजाकर पेश करते हैं। आप ही वो अजीम इंसान हैं जिनके सामने शैतान भी अपने आप को बहुत बौना महसूस करता होगा। खुशी हुई आपसे मिलके? हम जानते हैं हमसे मिलकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, मगर तुमसे मिलकर हमें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई है। हमें तुम जैसे इंसान का इंतजार था मेहमान। ताकि आप हमसे हमारा ईमान छीन सके, हमारे किरदार पर गुनाहों का ऐसा दाग लगा सके कयामत में भी हम खुदा को अपनी शक्ल दिखाने लायक न रहे। खुदा जाने आज तक आपने कितनों के ईमान को रेजा रेजा किया होगा, कितने पाक दामनों को गुनहगार किया होगा। आप बादशाह नहीं, बादशाह की शक्ल में शैतान है। शैतान? नहीं, मैं शैतान नहीं हूं, मगर मैं एक मजबूर बाप हूं। एक ऐसा मजबूर बाप जो अपनी बेटी की हालत इज़हार नहीं देख सकता। कहने को तो मैं बादशाह हूं, मगर मुझे इतना भी अख्तियार नहीं कि अपनी बेटी के आंसू पोंछ सकूं, उसके तड़पते दिल को सुकून पहुंचा सकूं। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, सबसे बदनसीब इंसान। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेहमान। आपके होठों की लर्जिश और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि वाकई आप बहुत कमजदा हैं। आप हमें अपनी मुश्किल बताइए, खुदा ने चाहा तो हम उसे जरूर आसान करेंगे। तुम कौन हो बेटे? हम शहजादे यमन हैं। क्या तुम शहजादे यमन हो? तुम हातिम बिन ताई हो? हाँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जिस नेक इंसान को पहचानने के लिए मैं इतना जलील काम करने पर मजबूर था, आज तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। अब मेरी डूबती कश्ती को किनारा मिल जाएगा, मेरी बेटी की बेनूर जिंदगी में फिर से उजाला फैल जाएगा। बेटे, हम तुमको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी कि हम किस उलझन में गिरफ्तार थे। आओ मेरे साथ, आओ। आओ बेटी, बेटी दरवाजा खोलो।
खुदा के लिए हमें परेशान मत कीजिए अब्बा हुजूर, आप चले जाइए यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। टी, देखो तो कौन आया है। हम किसी से मिलना नहीं चाहते अब्बा हुजूर, हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटी, जिस नेक इंसान की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है, खुदा के फजल से सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब्बा हुजूर, कुछ ठीक नहीं होगा, हमारी किस्मत में बस इसी तरह घुट घुट के जीना लिखा है, घुट घुट के। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहजादे यमन है, ये हातिम बिन ताई है। आओ बेटी, बेटी, ये यही तो है हमारी बेटी। सुभान अल्लाह, हुस्न जमाल में तो आपकी बेटी लाजवाब है। लाजवाब थी शहजादे यमन, लाजवाब थी, कभी ये तस्वीर वाकई लाजवाब हुआ करती थी, मगर आज कुछ भी नहीं। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। कहते हैं इंसान को उसके किए की सजा ऊपर मिलती है, मगर हम अपने किए हुए गुनाहों की सजा इसी दुनिया में भुगत रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं समझे। जिस तस्वीर को देखकर आज आपके होंठों से सुभान अल्लाह निकला था, वो तस्वीर हमारा गुजरा हुआ कल है शहजादे, हमारा गुजरा हुआ कल, मगर हमारा आज ये है। शहजादे, ये इबरत की जीती जागती मिसाल है। जब इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर जानवरों जैसा अमल करने लग जाता है तो खुदा उसे जानवरों से भी बदतर बना देता है। पहेलियां मत बुझाइए बादशाह हुजूर, हमें साफ साफ बताइए कि आपकी बेटी का ये हाल क्यों कर हुआ। शहजादे, शादी के बाद हमें एक बेटे की तमन्ना थी, मगर खुदा ने हमें बेटी दिया। हमें अफसोस तो जरूर हुआ, मगर हमने अपनी बेटी को बेटे की तरफ पालने का फैसला कर लिया। हम अपनी बेटी को शहजादों के लिबास में देखते तो खुशी से फूले नहीं समाते। हमने इसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ सिखाया ताकि कोई ये न कहे कि बेटी है। हम जब शिकार पर जाते तो हमेशा इसे अपने साथ ले जाते। एक दफा की बात है कि मेरी बेटी शिकार पर अकेली चली गई। नहीं देता बुड्ढे फकीर, हम रीच का शिकार कर रहे हैं।
लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है। जानवर तो बेजुबान ही होते हैं। बेटी, शिकार करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें मत सिखा बुड्ढे फकीर। अगर शिकार करना गुनाह है तो जा, जाकर रोक उस शेर को जो हिरन का शिकार करता है, उस बाज को रोक जो चिड़िया को अपने पंजे में दबोचता है, उस हंस को रोक जो मछली को अपना निवाला बनाता है। बेटी, शेर हिरन का शिकार इसलिए करता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बाज चिड़िया को अपने पंजे में इसलिए दबोचता है ताकि वो अपना पेट भर सके, और हंस मछली को निवाला अपनी खुराक के लिए बनाता है। लेकिन तुम इस रीछ का शिकार किस लिए कर रही हो? ये तो तुम्हारी खुराक भी नहीं। हम इसे अपने शौक के लिए मार रहे हैं, और फिर ये तो हमारा सौवां शिकार है। इसके बाद इस रियासत में हमारे बराबर का कोई दूसरा शिकारी न होगा। ये शौक नहीं बेटी, ये शौक नहीं, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। अपने सीने पे बहादुरी का तमगा सजाने के लिए मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगा। तू होता कौन है हमें रोकने वाला बुड्ढे फकीर? हम इस रियासत की शहजादी हैं। यहाँ हमारे अब्बा हुजूर की हुकूमत है। हुकूमत इस दुनिया पर सिर्फ एक ही की है, और वो है खुदा। मैं उसकी खुदाई में किसी बेजुबान पर जुल्म होते हुए नहीं देखूंगा। तो फिर तू और तेरा खुदा दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लो। मगरूर शहजादी, आज आ जा अपनी जिद से, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? एक बूढ़ा कमजोर इंसान इस रियासत की शहजादी से कह रहा है कि बहुत बुरा होगा। लगता है तू अपने होश में नहीं है, या फिर अपनी औकात भूल बैठा है। औकात तो तू अपनी भूल गई है शहजादी। अपनी ताकत के नशे में तू अच्छाई और बुराई में फर्क भूल बैठी है। तेरी भलाई इसी में है कि तू तीर कमान से निकाल कर अपनी सरकश में डाल ले। एक बार जब हम अपनी कमान में तीर कस लेते हैं तो फिर वो सीधा शिकार के सीने में पेवस्त होता है। अगर तू हमारे रास्ते में आया तो हो सकता है हमारा तीर तुझे ही निशाना बना डाले। तेरे तीर में वो ताकत नहीं शहजादी जो मेरी तरफ पढ़ने की जरूरत भी कर सके। तो फिर ये ले। लगता है तू दरवेश नहीं, कोई जादूगर है। जादूगर मैं नहीं, जादूगर वो है। ओ, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी शहजादी। चली जा यहां से। नहीं, हम अपने सौवें शिकार को छोड़कर नहीं जा सकते दरवेश। देखा बुड्ढे फकीर, तू जिन आंखों से जादू दिखा रहा था हमने उन्हीं में धूल झोंक दी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहजादी, तूने मुझ पर नहीं, तूने अपनी खुशियों पर खाक डाली है। मैं तुझे शिकार नहीं करने दूंगा। Hey!
शहजादी! या अल्लाह! ये क्या किया तूने शहजादी? ये क्या किया तूने शहजादी? तूने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अच्छा किया या बुरा किया, मगर जो भी किया लाजवाब किया। रुक जा शहजादी, जितनी अच्छी तेरी सूरत है उतनी बुरी तेरी सीरत है। तो जा, ये दरवेश तुझे बद्दुआ देता है। ये खुदा ने जितनी बुरी तेरी सीरत बनाई है उतनी बुरी तेरी सूरत भी बना दे। जिस जानवर का तुमने खून खाया है तेरा चेहरा उस जानवर की तरह हो जाए। जब भी तू आईने में देखे खौफ और डर से तेरी चीख पुकार निकल जाए नहीं। और तुझे देख कर लोग इबरत हासिल कर। एक शहजादी थे मेरी आंखों में तेरा दे। उस दिन के बाद से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो कब का अपने आप को खत्म करके हम इस बदतर जिंदगी से नजात हासिल कर लेते। मौत तो कोई इलाज नहीं शहजादी, इस परेशानी का कोई दूसरा हल भी तो होगा। शहजादे, हर तरह का इलाज करवाने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो यही सवाल लेकर हम फिर उसी दरवेश के पास गए। गिड़गिड़ा कर हमने उससे मिन्नत की, ऐ खुदा दोस्त दरवेश, आज एक बादशाह नहीं एक बाप अपनी फरियाद लेकर आपके दर पर आया है। दरवेश बाबा, मुझसे अपनी बेटी की बेचारगी देखी नहीं जाती, उसके गुनाहों को माफ करके उसे जीते जी मरने से बचा लीजिए बाबा। ये मेरे बस में नहीं बादशाह, ये उस नेक नौजवान के बस में है जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो तेरी रियासत में आएगा और तू उसे हमारे पास ले आना। अगर वो उस तलवार इस रीछ के जिस्म से तीर निकालेगा और इस रीछ का जख्म भर जाएगा तो तेरी बेटी का चेहरा अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। जा बादशाह, उनका इंतजार कर, इंतजार कर बादशाह। और तब से हम उस नेक इंसान का इंतजार करने लगे। जब भी कोई अजनबी हमारी रियासत में आता हमारे सिपाही उसे शाही मेहमान बनाकर मेहमान खाने में ले आते। हसीन लड़कियां अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाती और हम इस उम्मीद में रात गुजारते कि शायद यही नेक इंसान है। मगर सुबह उठकर जब पता चलता कि रात उसने अपना ईमान खो दिया तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। बेटे, सिर्फ तुम एक इंसान हो जिसने अपना ईमान बरकरार रखा और हमें पता चल गया कि तुम ही वो नेक इंसान हो जिसकी हमें तलाश थी। शहजादे, खुदा के लिए हमारी इस हालत पे रहम कीजिए, हमें फिर से नई जिंदगी दे दीजिए। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं शहजादी, ऐसा मत कहिए। हम कौन होते हैं किसी को जिंदगी देने वाले, ये तो सब उसके हाथ में है। हम तो बहुत मामूली इंसान हैं।
अगर हमारी वजह से आपके चेहरे पे छाया हुआ गुनाहों का यह साया दूर हो सके तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि हमें उसने इस लायक समझा। बादशाह, हमें उस खुदा दोस्त दरवेश के पास ले चलिए। चलो। मत्रो मेरे अजीज, मत्रो, आंसू तेरे टपकते हैं, कलेजा मेरा निकल आता है। कराहता तू है लेकिन तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। या खुदा, अब और इंतजार नहीं होता, भेज दे उस मसीहा को जो इसके जख्मों का इलाज कर सके। भेज दे उस नौजवान को जो इसे तकलीफ से राहत दिला दे। या अल्लाह। दरवेश बाबा, दरवेश बाबा। बादशाह, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है बाबा। क्या तुम्हें वो नेक इंसान मिल गया? हाँ बाबा, खुदा ने उस नेक इंसान को हमारे पास भेज दिया जिससे हमारे बेटी के चेहरे के साथ साथ हमारे दिल का नासूर भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह। बेटे। अल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे मोहसिन, आओ दरवेश बाबा के इम्तिहान को पूरा करो। मेरे सर पर छाए हुए आफतों के बादल को दूर करो। आओ। सलाम दरवेश मोहतरम। तो तुम वो इंसान हो जिसने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। खुदा ने आज तक हमें हर गुनाह से बचा के रखा है। अभी मालूम पड़ जाएगा तो कितना पाक बाज है। अल्लाह, अल्लाह। बाल से बारीक तलवार की धार और उसके नीचे दहकती हुई आग को देख रहा है? जी दरवेश बाबा, बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। तू क्या इस पर से गुजर सकता है? अगर खुदा की मर्जी हुई तो यकीनन हम ऐसा कर जाएंगे, और अगर खुदा की मर्जी ना हुई तो तू कष्ट कर इसाक के कुएं में गिर भी सकता है। खुदा को हमारी मौत इसी तरह मंजूर होगी तो बेशक ऐसा ही होगा। ये बादशाह और उसकी बेटी, तेरे क्या लगते हैं? गुस्ताखी माफ हो दरवेश बाबा, ये रीछ आपका क्या लगता है जिसके लिए आपने शहजादी को बद्दुआ दी थी? ये मेरे बेटे जैसा है, मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है। मगर वो तो एक जानवर है। तो क्या हुआ, क्या जानवर का इंसान से रिश्ता नहीं हो सकता? जब आपका एक जानवर से रिश्ता हो सकता है तो फिर बादशाह और शहजादी तो इंसान है, क्या इंसान का इंसान से कोई रिश्ता नहीं हो सकता? बस ये समझ लीजिए कि हम में सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का। इसी रिश्ते से हम आपके हर इम्तिहान से गुजरकर शहजादी के चेहरे पे लगे हुए बद्दुआ के दाग को धोने की कोशिश करेंगे। जिद मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की भलाई के लिए तू अपनी जान खो बैठे। इससे अच्छी मौत हमारे लिए क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है,
अगर तू बेमौत मरने पर इतना ही बजिद है तो पहले मेरे तीन सवालों का जवाब दे। वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं? वो एक खुदा है जिसका दूसरा नहीं। वो दो क्या है जिसका तीसरा नहीं? वो दो नेकी और बदी है। वो तीन क्या है जिनका चौथा नहीं? वो तीन आग, हवा और पानी है। शाबाश बेटे, शाबाश। अभी खुश मत हो बादशाह, अभी इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। आप हुक्म कीजिए दरवेश बाबा, इंशाल्लाह हम हर इम्तिहान में कामयाब होंगे। तो फिर इस तलवार की धार से गुजर कर दिखा, ताकि मैं देखूं कि तू ज़हीन ही नहीं बल्कि नेक और पाकबाज भी है। तमाम नेकी और पाकबाजी सिर्फ खुदा के लिए है। ऐ खुदा, ऐ दो जहां के मालिक, तू आग को गुलजार करने वाला है, तू दरिया से रास्ता बनाने वाला है, तू मुश्किलों को आसान करने वाला है। आज तक हमने अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज इस हकीर बंदे की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये वही है बादशाह, ये वही है जिसका तुझे ही नहीं बल्कि उस मासूम को भी इंतजार था। हातिम, हातिम मेरे बेटे, मेरे बेटे। आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता जो तुम जैसा सखी और इंसान दोस्त। बेटे तुम एक ही हो जो मेरे उस अजीज का तीर निकालकर उसका जख्म भर सकते हो। आओ बेटे। हाँ बेटे, उस बेजबान को दर्द से नजात दिलाओ जिससे मेरी बेटी को नई जिंदगी मिले। आओ। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हो गया। सच अब्बा हुजूर? हाँ बेटी, बिल्कुल पहले जैसा। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीते रहो, खुदा तेरी उम्र दराज करे कि तू हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करता है। शहजादे, हमारे मोहसिन, आपने हमें नई जिंदगी दी है। बेटे, हम किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करें, हमारे पास अल्फाज नहीं।
हम सारी जिंदगी तेरे एहसानों के तले दबे रहेंगे। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए बादशाह हुसैन। हमने जो कुछ भी किया है परवरदिगार की खुशी के लिए किया है। आप हमें दुआ दीजिए कि वो हमसे हमेशा खुश रहे। अब ये जिंदगी आपकी अमानत है शहजादे, आप हमें अपनी कनीज बनाकर भी रखेंगे तभी हम खुश रहेंगे। नहीं शहजादी, खुदा ने इस दुनिया में हर इंसान को बराबर बनाया है। उसकी नजर में ना कोई आका है ना गुलाम, फिर हम कौन होते हैं किसी को कनीज बनाने वाले। बेटे, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि तुम मेरी बेटी को अपना लो, इसे अपने निकाह में ले लो। तुम मेरे दामाद बनोगे, इससे बढ़कर मेरे लिए फक्र की और कोई बात नहीं होगी। आप हमें माफ कीजिए बादशाह हुजूर, आप कहें तो हम अपनी जान निकालकर आपके कदमों में डाल दें, मगर हमने अब्बा हुजूर से यही कहा है कि शादी हमारी जिंदगी का मकसद नहीं, अभी हमें बहुत बड़ा काम अंजाम देना है, बहुत बड़ा काम करना है। मैं जानता हूं बेटे, मैं तेरी जिंदगी के मकसद को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुझे कोई नहीं रोक सकता। न मां न बाप, न दोस्त न रिश्तेदार, न कोई और। जा बेटे, तेरी मंजिल तुझे बुला रही है। जिस रास्ते से तू आया था उसी रास्ते पे आगे बढ़ता चला जा। हर एक जगह पर जब तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा तो सुन सुन, आसमान से तुझे आवाज सुनाई देगी और तुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे जाएगी। जा बेटे। अच्छा बादशाह हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज शहजादी। खुदा हाफिज हमारे मोहसिन। खुदा हाफिज दरवेश बाबा। हक अल्लाह। पांचवा सवाल, कोहे निदा की खबर ला।